एक नंबर। लेट मी टेल यू, मैं बिग बॉस बहुत बिंग वॉच करती थी। मैंने लास्ट सीजन नहीं देखा पूरा, लेकिन उससे पहले मैंने हर सीजन देखा है। आपका सीजन मेरा सबसे फेवरेट सीजन रहा है। मैंने बकायदा वोटिंग की है। आप 5-6 लोग तो मुझे पता है इतने ज्यादा पसंद थे, मैं बता नहीं सकती। एंड तो मैं तब से आपको सुपरस्टार फॉलो करती वैसा हूँ। बिग बॉस आ नहीं सकता, उसमें सारे कंटेस्टेंट एक नंबर थे। आई सेकेंड दैट। मैं लिख के बोल सकती हूँ ये चीज कि उस सीजन को कोई सीजन और टक्कर नहीं दे सकता। हर कोई अभी तो आप इतना अच्छा लड़ाई था। झगड़ा करते रहो, लड़ाई झगड़ा करते रहो, लड़ाई झगड़ा करते रहो, आप जीत जाओगे। मतलब टैलेंट पे अब बिग बॉस कोई नहीं जीत सकता है। ये तो है। और आपकी अगर हम बात करें तो बिग बॉस में अगर हम देखें कि इतने सारे सीजन्स में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लोग कौन आए हैं, तो आपका नाम उन लोगों में होता है। कैसा लगता है आपको, लोग बिग बॉस से इतना ज्यादा आपकी तरफ अटेंशन आई लोगों की, लोगों ने इतना प्यार करना शुरू किया, और एज एंटरटेनर, और ये जो आपका एक तकिया कलाम था, एक नंबर, मतलब बाकमाल। क्योंकि बिग बॉस के जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने ये देखा कि एजाज खान कैसा है। जिन्होंने बिग जी बॉस देखा उन्हें पता है कि ये हिंदू मुसलमान में बिलीव नहीं करता, तो मेरी जो इमेज मीडिया फैला रही है वो गलत है। तो उन्होंने वो देखा है, जिन्होंने घर में मुझे देखा है कि इसके तो इसका बेस्ट फ्रेंड संग्राम सिंह था, गौहर खान थी, काम्या पंजाबी थी, तो ये हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं था ना मेरी। क्योंकि 3 महीने घर में रह के आदमी के अंदर ऐसा होता तो वो बाहर आ जाता है, आपको पता है। जी वो घर ऐसा है कि जो जैसा है उसको समझ में आ जाएगा, कब तक आप बिल्कुल छुपाओगे। तो जी लोग मुझे मोहब्बत करते हैं क्योंकि मैंने लोगों को सिर्फ हंसाया है, ना कभी अपनी प्रॉब्लम बताई, ना कभी रोने बैठा। या जो लोग करते हैं सिंपैथी लेने की कोशिश, हमको सिंपैथी नहीं चाहिए, हमको हमारे टैलेंट पे हमारी जो कीमत है वो दे दीजिए। बिल्कुल। और आपका जो अंदाज था बिग बॉस में, जो बिल्कुल कैंडिड हमने देखा है, जहाज जिसको कुछ बनना नहीं था, वो खुद में इतना, वो कहते हैं ना वर्ड, वो खुद में अपने आप में इतना पूरा था कि उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। आपके ना डायलॉग्स, आपके हमारे तकिया ना कलाम, ना हमें ना हमें इनसिक्योरिटी थी किसी से, और ना किसी से जेलेसी थी। क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, वो मिलेगा। मैं लड़की जी बन गया, मैं चोर बन गया, मैं जोकर बन गया, मैं बच्चा बन गया, मैंने क्या नहीं किया बिग बॉस के घर में। मैंने वो कर दिया जो कभी कोई नहीं कर पाएगा, मेरा चैलेंज है। ये मैं भी मानती हूँ। कैसा आपका एक्सपीरियंस, आपकी अगर हम बात करें लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, बिग बॉस के बाद कैसा टेक ऑफ हुआ आपका करियर या लाइफ, कैसा, कैसे बदला सब कुछ आपके लिए, प्लीज बताइए हमें। नहीं, बिग बॉस के बाद हमें बहुत कुछ नाम मिला, हमें हमें पहचान मिली, लोग हमारे फैन बने, लोगों ने जाना कि भाई ये तो एंटरटेनर है, ये तो एक्टर है यार, कमाल का एक्टर है। क्योंकि जब बिग बॉस ने जब फिनाले में हमसे ये कहा कि एजाज पहली बार ऐसा हुआ है इस घर के अंदर कि दोस्त तो दोस्त, आपने दुश्मनों को भी हंसाया है, करोड़ों दर्शक आपके फैन हुए हैं, और बिग बॉस भी आपको एक नंबर कहते हैं, बिग बॉस के साथ साथ इस घर के कैमरा भी आपके प्यार के शिकार हुए हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है बिल्कुल कि बिल्कुल कैमरा भी आपके प्यार के शिकार हुए हैं, और वाइल्ड कार्ड में इतनी फास्ट कोई भी आगे नहीं पहुंचा और किसी ने इतना नाम नहीं कमाया। तो ये अगर बिग बॉस खुद कह रहे थे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बिल्कुल। और मैं बाहर लोगों को दिख भी रहा था वो। हम तो, मैंने तो बताया आपको, मेरा फेवरेट सीजन है वो, आउट ऑफ ऑल द सीजंस। तो मैं बहुत बार, आपने कभी शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैं आपको बहुत बार, मैंने आपकी फोटोज के नीचे भी कमेंट किए हैं बिग बॉस के बाद, या मैं गौहर को ट्वीट करती होती थी कि मेरे को वो सीजन जैसा सीजन कभी लगा नहीं कोई और। क्योंकि उसमें लोगों ने यह भी देखा कि मैंने कभी किसी से दोस्ती निभाने के वक्त उसका साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि मेरी दोस्त विनर गौहर तक मेरा साथ छोड़ दी, जब बात आई तो उसने, गौहर ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन हमने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब क्लाइमेक्स के अंदर बिग बॉस ने एक टास्क भेजा एजाज खान को चेक करने के लिए और घर वालों को दिखाने के लिए कि भाई गौहर के बारे में अच्छी या बुरी बात कहो, तो सबने बुरी बातें कही। यहां तक कि गौहर ने जिसको, तनीषा को फिनाले में ये कहा कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टैंड विथ यू इन द फिनाले, अरे बाबा, उन गौहर ये दोनों कही की थी। तो उस टाइम पे वो दोनों ही ओपन हो गई थी, तनीषा जी भी और गौहर भी, कि अब तक तो ये दोनों दुश्मन बन रही थी, अब कह रही है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ही फिनाले में खड़ा होना था और मुझे भी तुम्हारे साथ खड़ा होना था। पर जो फैन फॉलोइंग मुझे मिली शायद वो दोनों को नहीं मिली, क्योंकि और ऑडियंस ने देखा था, ऑडियंस देखती है, और ऑडियंस आप देखिए आज भी एजाज खान हर जगह चल रहा है। खान साहब को नाम हमने दिया, खान साहब,
हमने दोस्ती में उसको एंड तक लेके गए, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। बाकी उसने हमारे बहुत खुशहाल आ गया तो उसने साथ छोड़ दिया, फिर आगे बीच में साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि एजाज खान जब दोस्ती करता है तो एंड तक निभाता है, और ये हमने बिग बॉस में दिखाया।